आज हम ग्रेड 3 से 5 की जो इंग्लिश की वर्क बुक है उसको हम सॉल्व करेंगे। और यह है वर्कशीट चौथी है, और जिस दिन हम इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे उसकी डेट यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं और अब हम इस गतिविधि का नाम जान लेते हैं। तो गतिविधि का नाम है ज्वाइन द डॉट्स, अर्थात बिंदुओं को मिलाइए। और अब हम इन बिंदुओं को इस तरह मिला देंगे, सभी बिंदुओं को। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाना है, पूरी तरह से इन सभी को मिलाना है। तो मैंने इनको मिलाया नहीं है, आप मिला लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन बिंदुओं को भी मिला देना है पूरी तरह से, इस प्रकार से। तो आपको सही से मिलाना है। तो ये हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम हमारी अगली वर्कशीट को देख लेते हैं। तो अगली वर्कशीट है 5वीं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डेट। और अब हम गतिविधि का नाम जान लेते हैं, ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर्स, अर्थात बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाएं और रंग भरें। अर्थात ये जो बिंदुएं दी गई हैं इन सभी को मिला देना है, तब एक चित्र बन जाएगा। और सभी बिंदुओं को मिलाना है और फिर यहाँ पर रंग भर देना है पूरे में। तो आपको सही से करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी डॉट को मिला देना है और कलर भी भर देना है सही से। मैं यहाँ पर सही से नहीं भर रहा हूँ, तो आपको सही से भरना है और कलर भी पूरे चित्र में भरना है। तो यह वर्कशीट आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अपनी अगली वर्कशीट को देख लेते हैं। तो अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे डेट। तो अब हम गतिविधि का नाम जान लेते हैं, गतिविधि का नाम है ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। तो यहाँ पर दिया गया है निर्देश, बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाएं और रंग भरें। अर्थात जो यह चित्र दिया गया है इसमें जो सभी डॉट हैं उनको हमें मिला देना है इस प्रकार से, सही से सभी डॉट को मिलाना है और फिर यहाँ पर हमें कलर भर देना है पूरे चित्र में सही से। तो यह वर्कशीट सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अगली वर्कशीट देख लेते हैं। तो यह वर्कशीट नंबर 7, अर्थात 7। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर डेट लिख देंगे और अब हम गतिविधि का नाम जान लेते हैं। तो गतिविधि है लेट्स राइट, अर्थात आओ लिखें, राइट योर नेम, अर्थात अपना नाम लिखें। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण दिया गया है कि आई एम भोला, अर्थात मैं भोला हूँ। तब हमें यहाँ पर और भी यहाँ पर नीचे नाम लिख देना है इस तरह से, कोई भी नाम, और आई एम पहले से लिखा हुआ है। तब हम यहाँ पर कोई भी नाम लिख देंगे, आई एम संजू, यहाँ पर संजू लिख देंगे, और यहाँ पर भी और कोई भी नाम लिख देंगे, और यहाँ पर और कोई नाम लिख देंगे। तो यह वर्कशीट सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर एक और प्रश्न है, राइट योर फ्रेंड नेम, अर्थात अपने मित्र का नाम लिखें। तब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे यहाँ पर अपने मित्र का नाम लिखना है। तो एग्जाम्पल है, गोलू इज माई फ्रेंड, अर्थात इज माई फ्रेंड सभी में है, और यहाँ पर हमें सिर्फ अपने मित्र का नाम लिखना है। तो किसी भी मित्र का नाम हम लिख देंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे सोनू, और यहाँ पर आ जाएगा मोनू। इसी प्रकार हम और भी अपने फ्रेंडों के नाम लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और अब हम अपनी अगली वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तो यह है वर्कशीट नंबर 8, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर डेट लिख देंगे। तो अब हम गतिविधि का नाम जान लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो गतिविधि का नाम है फाइंड द वे, अर्थात मार्ग प्राप्त करो। पांट को लड्डू तक पहुंचाने के लिए पेंसिल से रास्ता बनाए, अर्थात इस चित्र में जो आंट अर्थात चींटी दिख रही है उसको हम लड्डू तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमें पेंसिल से रास्ता बनाना है। तब हम इसके लिए यहाँ से पेंसिल से रास्ता बना देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से होती हुई यह चींटी आसानी से लड्डू तक पहुँच जाएगी, तो यह वर्कशीट सॉल्व हो जाएगी। तो यह वर्कशीट सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू।